उत्तर 24 परगना जिले के दक्षिणेश्वर में स्थित पवित्र योगदा आश्रम में योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया और सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप की तरफ से एक दिवसीय सत्संग का आयोजन किया गया। श्री श्री स्वामी चिदानंद गिरी जी के प्रवचन सुनने के लिए सिर्फ कोलकाता से ही नहीं देश विदेश से भी लगभग 800 श्रद्धालु सत्संग में पहुंचे थे। इस बारे में योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया के सन्यासी स्वामी ईश्वरानंद गिरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कार्यक्रम की जानकारी दी। मेरा नाम स्वामी ईश्वरानंद गिरी है। मैं योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया का एक सन्यासी हूं। यहां मैं योगदा सत्संग सोसाइटी के दक्षिणेश्वर आश्रम में खड़ा हूँ। हमारी जो संस्था है इसके चार आश्रम हैं, एक यहाँ दक्षिणेश्वर में जो कि हेडक्वार्टर्स है, एक बड़ा आश्रम है रांची में, और एक है नोएडा में और एक द्वाराहाट में। इस संस्था के संस्थापक हैं श्री श्री परमहंस योगानंद जी, और इस संस्था के गुरु भी वही हैं। योगानंद जी अपनी पुस्तक के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं। उनकी जो सुविख्यात पुस्तक है योगी कथामृत, ऑटोबायोग्राफी फॉर योगी, ये पूरे विश्व में बहुत प्रसिद्ध है। और 1946 में जब इसका पहली बार प्रकाशन हुआ था, तब से लेकर आज तक ये बेस्ट सेलर रहता आया है, और लाखों लोगों ने इसे पढ़ा और उससे उन्होंने देखा कि उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है और वे ईश्वर की ओर प्रेरित हुए हैं। ये परमहंस योगानंद जी का जो मुख्य जीवन कार्य था वो था कि लोगों में क्रिया योग विज्ञान का प्रचार प्रसार। ये जो विज्ञान है क्रिया योग विज्ञान, इसकी शुरुआत 1861 में इस युग में हुआ, जब महावतार बाबा जी, जिसे हम अमर बाबा जी कहते हैं, तो अमर बाबा जी ने पहली बार इस क्रिया योग विज्ञान की दीक्षा लाहड़ी महाशय को दी, और फिर लाहड़ी महाशय के शिष्यों द्वारा आज हम सबके लिए उपलब्ध है, हम सब इसे प्राप्त कर रहे हैं। ये जो क्रिया योग विज्ञान है, इसके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक प्रगति को तीव्र कर सकता है, अपना आध्यात्मिक उत्थान कर सकता है। और इसी सिलसिले में क्रियायोग विज्ञान के प्रचार प्रसार में हम बीच बीच में विशेष प्रोग्राम आयोजन करते हैं, और फिलहाल हमारी संस्था के जो आध्यात्मिक प्रमुख और अध्यक्ष हैं स्वामी चिदानंद जी, वे भारत पधारे हुए हैं, और उन्होंने अभी 12 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक उन्होंने हैदराबाद में एक विशेष 5 दिन का कार्यक्रम आयोजित किया, और उसमें 3,500 भक्तों ने भाग लिया। और वहाँ उस प्रोग्राम को समाप्त करने के बाद अभी चिदानंद जी कोलकाता में पधारे हैं, और यहाँ पर एक विशेष सत्संग आयोजित हुआ है जिसमें करीब 800 भक्त देश विदेशों से यहाँ पर एकत्र हुए हैं। कि एक तो जो पहले से ही योगदा के भक्त हैं उनको फिर से प्रेरित करना, उन्हें ये प्रोत्साहित करना कि वे अपनी साधना में तीव्रता बनाए रखें, और साथ में जो नवागंतुक हैं, जो नए लोग हैं, उन्हें गुरुजी की जो क्रियायोग की शिक्षाएं हैं उनसे परिचित कराना। Please be seated.
short time of satsanga and diving deep in the endless flow, the endless river of Gurudev's divine benedictions and blessings. So before we have our opening prayer, though, I need to make one little correction. First of all, thank you, Swamiji, for your words, but I think you left one thing out, and that is that when I come before all of you, especially in this holy, holy city of Kolkata, sanctified by Gurudev and by the eternal blessings of the Mother Divine, Divine and Beloved Gurudev, Paramahansa Yoganandaji, Saints of all religions, we bow to you all. Divine Mother, Divine Mother, Divine Mother, we are your children. We long for your presence. We long for your blessings. Guru Jai, Guru Jai, Jai Guru Jai, 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 Guru Jai, Guru Jai. Jai Guru Jai, Jai Guru Jai.